बेसिकली परिजात का मतलब परी, परी का बेटा, परी जैसा, ये इसका मतलब निकलता है। लेकिन ये इसकी माँ चिड़ के इसका नाम रखती है परिजात। इटसेल्फ वोकैबुलरी में आप जाएंगे तो आपको परिजात नहीं मिलेगा। सर परिजात ने बहुत खूबसूरत हमें जुमले सुनने को मिले, बट अगर मैं आपसे पूछूं आपका पसंदीदा जुमला कौन सा होगा परिजात का, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अभी तक दिल के बहुत करीब है आपके? मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद है कि जो एक बार से सुन ले दोबारा कभी भूलता नहीं। और हम वहाँ पे गए हैं, हमें आइडिया है कि वहाँ वही हाल हो जाता है जो उतनी दिखाया है। तो आई गेस वो एक तस्वीर जिसको फिर बहुत डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है, वो मेरा फेवरेट नहीं था। सुना कि परिजात घर भी देख रहा है, क्या आप वो घर खरीदना चाहेंगे? मुझे तो गिफ्ट करना चाहिए की बात करनी है। So Ahmed, Parizat today has become a global phenomenon. So what do you have to say about it? Well, I have to be honest, जब मैं ये मुझे ऑफर किया था मैं बहुत डरा हुआ था, एंड यू नो कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे थे जो नहीं हुई पहले टीवी में, और प्लस मैं अपने आप को देख ही नहीं रहा था उस रोल में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो दो एपिसोड पढ़ के ना इनकार कर दिया था, मैंने पता ये मैं मुझे क्यों ऑफर किया जा रहा है। परिजात किस तरह से अनयूजुअल ड्रामा था, थोड़ा सा चैलेंज हो गया था परिजात। इस तरह के जो प्लेज हैं, मैं समझती हूँ कि परिजात की जो कामयाबी है वो हमारी ऑडियंसिस की कामयाबी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री की कामयाबी है, क्योंकि हमारे पास हमारी इंडस्ट्री ने जनरली जो लोग समझना शुरू हो गए हमारी ऑडियंसिस को कि हमारी ऑडियंसिस एक सर्टन तरीके का ड्रामा ही है जो देखना चाहती हैं, और इंटेलिजेंट चीज़ें हमारी ऑडियंसिस को ना दिखाई जाएं क्योंकि ना वो अप्रिशिएट होंगी, ना उनकी रेटिंग्स आएंगी और ना वो पब्लिक में चलेंगी। तो परिजात ने इन सारी बातों को ख़त्म कर दिया इन अवे। सो ये सबसे बड़ी कामयाबी है परिजात की, और हम लोग एक छोटा सा आप समझ लें पार्ट है इस कामयाबी का, हिस्सा बने हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। क्योंकि मेन जो चीज़ अगर परिजात से मैं बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपका था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, गलत नहीं होगा ये। आपके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि इस ड्रामे ने ये प्रूफ किया है कि खूबसूरत होना जरूरी नहीं है हीरो के लिए। वैसे खूबसूरत आदमी जो गेटअप किया हुआ है, और एक गरीब का ख्वाब, अभी मैं और वही सैफ डिस्कस कर रहे थे कि गरीब का ख्वाब यही होता है कि वो आसमानों को छुए। सो ही प्रूव्ड इट एंड माशाल्लाह ही डिड अ वंडरफुल जॉब, एंड कंग्रेचुलेशन की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और बहुत अच्छा काम किया, टैलेंट ऑलवेज विंस। सवाल क्या था आपका? मुझे जाहिद ने और मेरे दोस्त हैं सलमान, जाहिद एडी हैं जिनके शोल्डर्स पे सारा प्रोजेक्ट रहा है, और सलमान मेरे मैनेजर, उन्होंने कहा एक दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लें प्लीज़, और ये कुछ चार महीने बाद की बात। मैंने कहा अच्छा पढ़ लेते हैं। फिर मैंने पढ़ा, मुझे मेरे आंसू निकले पहली दफ़ा कुछ पढ़ के, और मैंने ऐसे कनेक्ट किया उस कैरेक्टर से कि जो उसका शक्ल सूरत है वो सेकेंडरी भी नहीं, वो टर्शियरी चीज़ बन गई थी। उसके अंदर का इंसान से मैंने इतना कनेक्ट किया, इतना रिलेट किया कि I knew I had to do this and फिर भी मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, बट आई हैव टू से आप मोमना भाभी, आपने यू बिलीव्ड इन मी एंड यू पुश्ड मी टू डू इट, सो थैंक यू फॉर दैट। ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जिसकी वजह से कैरेक्टर में नहीं करती। शहजाद कश्मीरी अहमद के साथ हमेशा से काम करने का मुझे शौक था। मुझे कोई भी ड्रामा ऑफर होता था मैं कहती थी प्लीज़ अहमद को मेरे साथ कास्ट कर लें, क्योंकि मुझे लगता था कि जो डिटेल्ड काम वो करता है वो बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे पास जो कर सकते हैं। और आज मैं आई भी अहमद के लिए, शहजाद सर के लिए और हाशिम सर के लिए, और बस एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे इतनी अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैंने चूज किया। थैंक यू सो मच अबू। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
रास्ता दीजिएगा प्लीज, आप साइड से आइए, आप साइड से आइए। गोल्डन बार बार ये फैमिली ड्रामा हो या सोशल इश्यूज पे, और मेरी खुशी की इंतहा बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो हमारी मीडिया है वो फ्लरिश हो रही है, अच्छी हो रही है। सो परीजाद इज़ डूइंग वेरी वेल, आई रियली विश देम ऑल। अच्छा, अभी सोशल की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक चीज की बात पूरी दुनिया में हो रही है, वो पांचवी लहर है ओमिक्रॉन और कोरोना, उस पर क्या कहेंगे? उसके ओमिक्रॉन के बारे में, कोरोना के बारे में ये जवाब है, दिस यू हैव टू कवर योर फेस, यू हैव टू बी केयरफुल, अपने आप से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, और जस्ट प्रिकॉशन, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत मानते हैं। ओके, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको मुल्क की इकोनॉमी को होता है और आर्टिस्ट को होता है। सो परीजाद हैज ऑल्सो सेट ट्रेंड नाउ, क्योंकि ये सोशल इशू पे डिफरेंट आइडिया के ड्रामा बना है और माशाल्लाह लोगों को पसंद आया। हम भी इज ऑलवेज ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स, फैमिली ड्रामा हो, सोशल इश्यूज हो। सो आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड क्रू, जो उन्होंने इतना कुछ किया, मुबारक दी थी। परीजाद के ड्रामा में आपको किसकी अदाकारी ज़्यादा पसंद आई? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज सो गुड, और परीजाद हिमसेल्फ इज सो गुड, और सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ड्रामा आपने किसके साथ देखा है घर पे? जब आप घर पे देखा करते हैं, किसके साथ देखा? ये मैं मोस्टली घर पे फैमिली के साथ, और जाहिर है फैमिली का हर एक फर्क, नो मैटर बुजुर्ग बच्चे बड़े और मुलाजिम भी, सो दे यूज टू लाइक इट। और जब कभी मैं अपने डेंटिस्ट के पास जाती थी, वहाँ पे भी ये ड्रामा लगा होता था ऑनलाइन। सो दिस इज डूइंग वंडर्स, थैंक यू, थैंक यू। उनका लास्ट एपिसोड या सेकंड लास्ट एपिसोड सिनेमा में देखने के लिए रश जो है वो शुरू हो गया। सबसे पहले ये कहूँगी कि परीजाद ऐसा ड्रामा है, अरसे के बाद, मुद्दत के बाद एक ड्रामे ने एक स्टार को जन्म दिया, और मैं खुद को रिलेट कर सकती हूँ उस ड्रामे से, इसलिए कि पिछले कई सालों में मैंने एक खौफनाक सी तनहाई काटी है। तो मेरा ये कहना है कि हम सभी अपनी ज़ात के अंदर कहीं ना कहीं परीजात हैं, और मैंने टीवी पे तो नहीं देखा, यूट्यूब पे मैंने एक महीना पहले ये ड्रामा देखा, और जहाँ जहाँ परीजात रोया है, खुदा की कसम वहाँ वहाँ मैं साथ रोई, और एक्टिंग सभी करते हैं लेकिन कैरेक्टर को ओढ़ के, बहन के जिस तरह से अहमद अली अकबर ने किया है, मेरे ख्याल में आने वाली नई जनरेशन को इस एक्टर से सीखना चाहिए। जितनी रूह से उन्होंने काम किया है, यकीन करें उनकी एक्टिंग हमारी रूह के अंदर उतरी है। और अगेन वही कहूँगी कि एक ड्रामे ने एक स्टार को जन्म दिया है। क्या समझती हैं, एक टाइम था फिल्म से एक्टर निकल रहा था, अब ड्रामों में से एक्टर निकल रहे हैं। मैंने हमेशा यही बात कही है कि स्क्रीन जो है ना, छोटी बड़ी नहीं होती, काम छोटा बड़ा होता है। तो अहमद अली अकबर ने वो काम किया है जो इस वक्त फिल्मों में भी कोई नहीं कर पा रहा। तो जितनी वेरिएशन इन्होंने परीजाद में दिखाई है, जितने वर्सटाइल ये एक्टर हैं, मैंने कहा कि अच्छे की बात है। मैं भी आऊंगा।
excited right now. What do you have to say about the continued success that Parizad has achieved? Right now, I have to believe. Get it? Right. Adidas, sir. You must be the partner of Casa. Sir, how are you?